हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान, आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई, बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लगातार 3री बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत परठारू आज पर्यंत 32000 टका पाई। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप EKYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गाँव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी है, गाँव में आती है, हमको खेती के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देखा किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। सिर्फ कल ही नहीं, हर दिन एक नया आगाज।
इतना ही नहीं, पूरे देश में कृषि सखी के रूप में कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को करने के लिए 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उनमें से 5 कृषि सखियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने का मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इन कृषि दीदियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इनमें पूरे देश में सबसे पहले हमारे बीच सरगुजा छत्तीसगढ़ से आई अनिता मोदी जी, उनको प्रमाण पत्र प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध। ये जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आई हैं अनिता मोदी जी। इनके बाद शहडोल मध्य प्रदेश से कृषि सखी दीदी ममता सिंह बरगाही, दीदी ममता सिंह बरगाही ये शहडोल जिला मध्य प्रदेश से आई हैं। इसके उपरांत ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल से मेघालय की लहुसा लिंकाई, कृषि दीदी लहुसा लिंकाई मेघालय से हमारे बीच इस मंच पर आ रही है। और इनके बाद आएंगी उत्तर कन्नड़ कर्नाटका से श्रीलता राजीव हेगड़े जी, हमारी कृषि सखी दीदी श्रीलता राजीव हेगड़े जी। और इनके बाद हमारी अगली कृषि सखी दीदी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से मीरा पाल, इन्हें ये पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब इसी के साथ मैं आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच युग दृष्टा युग सृष्टा युग निर्माता माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जी, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं।
इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। साथियों, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ यह चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है। जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आसपास है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती, यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित भी करती है, प्रभावित भी करती है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं बल्कि तीसरी बार PM भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में
ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था, तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं, करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं।
आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। भाई और बहनों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना
खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है, हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। भाई और बहनों, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, पिछले 7 साल से राज्य सरकार को मौका मिला है, पूरे समर्पण भाव से काम किया है। काशी में बनास डेयरी संकुल की स्थापना हो, किसानों के लिए बड़ा पेरिसेबल कार्गो सेंटर हो, विभिन्न कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र हो या इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो, आज इन सब के कारण काशी और पूर्वांचल के किसान बहुत मजबूत हुए हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। बनास डेयरी ने तो बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। आज ये डेयरी हर रोज करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर रही है। अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक, ये हमारे परिवार, इस डेयरी के रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बनास डेयरी अगले 1-1.5 साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनास डेयरी आने के बाद बनारस के अनेकों दूध उत्पादकों की कमाई में भी 5 लाख रुपए तक की वृद्धि हुई है। हर साल किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है। पिछले साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस पशुपालकों के बैंक खाते में भेजा गया था। बनास डेयरी अच्छी नस्ल की गीर और साहिवाल गायों को भी किसानों को दे रही है, इससे भी उनकी आमदनी बढ़ी है। साथियों, बनारस में मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से सैकड़ों किसानों को लाभ हो रहा है। उन्हें अब किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा मिल रही है। यहां पास में चंदौली में करीब 70 करोड़ की लागत से आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे भी बनारस के मछली पालन से जुड़े किसानों को मदद मिलेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी बनारस में जबरदस्त सफलता मिल रही है। यहां के करीब करीब 40,000 लोग इस योजना के तहत रजिस्टर हुए हैं। बनारस के 2100 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लग चुका है।
अभी 3000 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। जो घर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर को डबल फायदा हुआ है, उनका बिजली बिल तो जीरो हो ही गया है, 2-3 हजार रुपये की कमाई भी होने लगी है। साथियों, बीते 10 सालों में बनारस शहर और आसपास के गांवों में कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है उससे भी बहुत मदद हुई है। आज काशी में देश के सबसे पहले सिटी रोपवे प्रोजेक्ट का काम अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है। गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर के रास्तों को जोड़ती रिंग रोड विकास का रास्ता बन गई है। फुलवरिया और चौकाघाट के फ्लाईओवर बनने से जाम से जूझने वाले बनारस के आप लोगों को बहुत राहत हुई है। काशी, बनारस और कैंट रेलवे स्टेशन अब एक नए रूप में पर्यटकों और बनारसी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट का नया रूप न सिर्फ यातायात बल्कि व्यापार को भी सहूलियत दे रहा है। गंगा घाटों पर होता विकास, बीएचयू में बनती नई स्वास्थ्य सुविधाएं, शहर के कूड़ों का नवीन रूप और वाराणसी में जगह जगह विकसित होती नई व्यवस्था काशी वासियों को गौरव की अनुभूति कराती है। काशी में स्पोर्ट्स को लेकर जो काम हो रहा है, नए स्टेडियम का जो काम हो रहा है, वो भी युवाओं के लिए नए मौके बना रहा है। साथियों, हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही है, हमारी काशी ज्ञान की राजधानी रही है, हमारी काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है, लेकिन इन सब के साथ साथ काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है। विकास भी और विरासत भी का मंत्र काशी हर तरफ दिखाई देता है और इस विकास से सिर्फ काशी का लाभ नहीं हो रहा, पूरे पूर्वांचल के जो परिवार काशी में अपने कामकाज और जरूरतों के लिए आते हैं उन सभी को भी इन सारे कामों से बहुत मदद मिलती है। साथियों, बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी के विकास की ये नई गाथा अनवरत चलती रहेगी। मैं एक बार फिर देश भर से जुड़े सभी किसानों साथियों का, सभी किसान भाई बहनों का हृदय से अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं। काशीवासियों का भी मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।